अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक है। मैं डॉक्टर उमर रियान हूँ, मैं एक ब्यूटिशियन हूँ, हर्बलिस्ट हूँ। मैं आज आपको बताऊँगी कि फ्रूट फेशियल जो आप पार्लर में करते हो उसके लिए आप फ्रूट ब्लीच किस तरह से बनाते हो। पहले मैंने घर वाला तरीका बताया था जो आपको पार्लर जैसा इफेक्ट देगा, और आज मैं आपको बता रही हूँ, काफ़ी इंस्टाग्राम पर मैसेजेस आए थे कि हम पार्लर, हमारे स्मॉल पार्लर्स हैं, हम लोग कैसे ब्लीच करेंगे फ्रूट ब्लीच। तो इसका तरीका मैं आपको बता रही हूँ हिडन, जो मैं अपने पार्लर्स पर करती हूँ। आप गौर से देखिएगा, मैं आपको वन बाय वन बताती हूँ। हाँ जी, ये देखें, ये आपको 20 वॉल्यूम चाहिए होगा, इस तरह की पैकिंग में ये होगा फ्रूट ब्लीच का, ठीक है। और ये इसका ब्लीच पाउडर है, ठीक है। ये दो चीज़ें तो मस्ट हैं। उसके बाद मैं क्या डालती हूँ वो मैं दिखाती हूँ। ये देख लें, ये रैपिड ग्लो है, डॉक्टर डर्मा का है, लेकिन आप इसका, अगर आपको ये ना मिले तो आप कोई भी शाइनर डाल सकते हो, किसी भी कंपनी का, ठीक है, एक ही काम करते हैं। और उसके बाद मैं डालती हूँ इसके अंदर सूथिंग लोशन, किसी भी कंपनी का आप लोग डाल सकते हो, और एलोवेरा जेल डाल सकते हो। अगर आपको सूथिंग नहीं मिलता तो आप एलोवेरा जेल डाल लो, ठीक है। और हिडन इसके अंदर मैं क्या डालती हूँ, मैं इसके अंदर डालती हूँ एंटी रैश, ठीक है। ये ड्यू कंपनी का है एंटी रैश, और भी बहुत सारी कंपनीज का मिल जाता है, तो ये मैं ज़रूर डालती हूँ। इससे ये है कि जब आप लोग स्किन पॉलिश कर रहे होते हो ना, ब्लीच पॉलिश कर रहे होते हो या स्किन पॉलिश कर रहे होते हो, तो काफ़ी लोगों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, क्योंकि किसी ने केमिकल्स यूज़ किए हुए होते हैं, किसी ने क्रीमें यूज़ की हुई होती हैं, किसी ने कुछ, तो काफ़ी लोगों की स्किन पे ब्लीच सूट नहीं करता। जब आप ये डाल लेते हो ना, इसके अंदर एंटी रैश जेल डालते हो या फिर एंटी रैश बाद में स्प्रे कर देते हो, तो वो रेड नहीं होती, इचिंग नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, और बहुत सूथिंग सा इफेक्ट आता है। और ब्लीच जिन लोगों को रिएक्शन करती है, आंसू निकल रहे होते हैं, ये वो चीज़ें सब, ये वाली चीज़ें डालने से ऐसा कुछ भी नहीं होता कि उनकी स्किन पर इरीटेशन हो या कुछ भी हो। अब मैं आपको मिला के लगा के दिखाती हूँ इसका रिजल्ट कितना ज़बरदस्त आता है। हाँ जी, आपने क्या करना है, ये डेवलपर लेना है आपने। अच्छा, मैं एक और बात बताऊँ, डेवलपर आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो, इसका कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। आपने अब ये वाला 3 चम्मच होते हैं जो आप लोगों को दिए जाते हैं जब आप लोग कुछ कर रहे होते हो, स्किन पॉलिश, ब्लीच या कुछ ऐसी चीज़ें, तो ये जो इसके दरमियान वाला है ना, आपने ये लेना है, ठीक है। ये देखें, इतना आपने लेना है, 1 चम्मच ये ले लेना है आपने, और उसके बाद आपने ब्लीच, असल में करते हैं कि हमारे बाल गोल्डन हो जाएं, ठीक है ना, तो उनके लिए आपको ये सारी चीज़ें डालनी होंगी, वरना आपका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आएगा, बाल गोल्डन नहीं होंगे। अच्छा, एक और चीज़ भी आपने ख्याल करनी है, बाल गोल्डन के चक्कर में आपने ब्लीच पाउडर ज़्यादा नहीं डालना, वहाँ पर दोबारा एप्लीकेशन हो जाया करती है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देख लें, 1 चम्मच मैंने इसका ब्लीच पाउडर का लिया है, ठीक है। अब ये जो है रैपिड ग्लो, इसका भी कोई नुकसान नहीं है, आप 1 चम्मच भी ले सकते हो, आधा चम्मच भी ले सकते हो, ये स्किन पे डिपेंड करता है। अगर स्किन ज़्यादा डैमेज हुई भी है तो आप इसका 1 चम्मच भी ले सकते हो, वरना आप आधा चम्मच कर लो, ठीक है। मैं ये अंदाजे से डालूंगी इसके अंदर, क्योंकि एकदम से निकल आता है, फिर वो इसके अंदर नहीं ठहरता। देखिए, मैंने आधा चम्मच डाला है, उसके बाद मैं इसके अंदर आधा चम्मच सूथिंग का डालूंगी। अगर किसी की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो आपने सूथिंग थोड़ा सा ज़्यादा कर लेना है, 1 चम्मच तक भी आप जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसमें देखें आधा चम्मच डाल रही हूँ, और उसके बाद मैं ये एंटी रैश डाल रही हूँ इसके अंदर, ये भी मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ। आपने देखा है मैंने डेवलपर कम लिया है, और बाकी चीज़ें भी उससे ली हैं, जैसे मैंने आपको घर वाली बताई थी कि आप पानी डालो उसी उतनी ही क्वांटिटी में। आप ये देखें, मैंने रैपिड ग्लो और सूथिंग डाल दिया है, तो ये उसी तरह से माइल्ड हो गई है, ठीक है। आपने इसको माइल्ड कर लेना है अच्छी तरह से, इस तरह से ये बना लेना है। ये देखें, ये बहुत ज़बरदस्त आपकी ब्लीच तैयार हो गई है, वाइटनिंग, और इसका रिजल्ट तकरीबन 1 महीना रहता है। मैं इसके अंदर अब क्या डालूँगी, अब इसके अंदर मैंने हिडन चीज़ डालनी है ग्लो के लिए, आपने ये डालना है लाजमी, कोई सा भी ड्राई मिल्क आपने इसमें 1 चम्मच डाल देना है, ठीक है। ये देखें, ये आपकी बहुत ज़बरदस्त सी ब्लीच तैयार हो गई है। मैं अब आपको इसको लगा के दिखाती हूँ। हाँ जी, अब मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ, आपने इस तरह से इसको अप्लाई करना है, ऊपर नीचे करके, फेस पर भी आपने इसी तरह से अप्लाई करना है। जो लोग कहते हैं ना हमारे ब्लीच कर दें, इससे ब्लीच हो जाते हैं, अगर थोड़े से रह जाते हैं ढीठ बाल हैं, तो थोड़ी सी फिर इसी तरह से बना के उनको दोबारा से ब्लीच कर दें, लेकिन इस ब्लीच के अंदर आपने मज़ीद ब्लीच नहीं डालनी,
इससे ये होगा कि स्किन डैमेज हो जाती है और फौरन ब्लैक कलर होना शुरू हो जाता है आपकी स्किन का, एक दो दिन के बाद ही। आप लोग कहते हो ना कि हमने ब्लीच करवाई है या स्किन पॉलिश करवाई है तो हमारा कलर जो है ब्लैक होना शुरू हो गया या रिजल्ट नहीं आया, एक दो दिन के बाद कलर सारा डिम हो गया, तो उसकी वजह यही होती है कि उन्होंने ब्लीच पाउडर ज़्यादा यूज़ किया हुआ था। इंस्टेंट तो उस वक्त रिजल्ट आ जाता है, लेकिन उसके बाद में ब्लीच का साइड इफेक्ट ये है कि आपका कलर जला देती है, आपकी स्किन जला देती है। आपने इस तरह से करना है और हर 5-10 मिनट के बाद आपने इसको इस तरह से रिफ्रेश करते रहना है, ठीक है। ये एक टिप है। दूसरा ये कि आपने ना हर 5 मिनट के बाद चेक करना है कि चीक्स वाली जगह से, और उससे इस तरह हटा के देखना है कि रेड तो नहीं हो रही, स्किन डैमेज तो नहीं हो रही या कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा। आपने ये चेक करती रहनी है और जहाँ से रेड हो रही हो, स्किन सेंसिटिव जगह हो, वहाँ से आपने ब्लीच को हटा देना है, ठीक है जी। अब इसको मैं छोड़ूंगी, 5 मिनट छोड़ूंगी और उसके बाद इस तरह से इसको रिफ्रेश कर लूँगी, फिर 5 मिनट छोड़ूंगी, फिर रिफ्रेश कर लूँगी, उसके बाद फिर मैं आपको आके दिखाती हूँ कि इसका क्या रिजल्ट आया है। हाँ जी, देखें इसको तकरीबन 8-9 मिनट हो गए हैं, मैं आपको उतार के दिखा देती हूँ, आपने आधा घंटा लगे रहने देना है, ठीक है। ये देखें मेरे बाल भी गोल्डन हो गए हैं काफ़ी ज़्यादा। आपको पता है बाज़ों के बाल बहुत ज़्यादा हार्श होते हैं, तो इसको थोड़ा सा टाइम मैं और देती तो ये इसी में ही हो जाता, क्योंकि मैं अपने पॉलर पे भी करती हूँ तो इसी में ही हो जाता है, उसको रिफ्रेश करती रहती हूँ उससे वो। ये देखें मैंने ये यहाँ तक की है और ये नहीं की, देखें ये बता दूँ, ये देखें आपको दोनों के डिफरेंस पता चल रहा होगा। ये देखें सिर्फ 8-9 मिनट से ही देखें कितना फ़र्क पड़ गया है। ये देखें ये मैंने यहाँ तक की है और यहाँ तक नहीं की, ये देखें अभी आपके सामने ही है, ये देखें रिजल्ट। आपने इस तरह से ब्लीच करनी है और आप ब्लीच जो उनसे 15 दिन के बाद कर सकती हो अगर आप घर में कर रहे हो, और क्लाइंट की फेस आपने देख के ब्लीच करनी है। कोशिश कीजिएगा ब्लीच पाउडर कम से कम इस्तेमाल करें ताकि जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी दिन तक रहे, ठीक है जी। ये एक सीक्रेट है। अब अच्छा, एक और सिस्टर मुझसे पूछ रही थी कि पिंक स्किन पॉलिश करके दिखाएं, बताएं वो कौन सी होती है। ये देखें ये होती है पिंक, इसकी स्किन पॉलिश भी होती है, वो भी मैं आपको दिखा दूँगी, वो भी पिंक कलर की होती है। स्किन पॉलिश के कलर्स बहुत सारे होते हैं, ब्लू होता है, पिंक होता है, ग्रीन होता है, वाइट होता है, ब्लीच के भी। तो ये मैं सारी आपको 1 by 1 सिखाऊंगी। ये पिंक ब्लीच मैंने आपको सिखाई है, इसी तरह से ही वो लोग स्किन पॉलिश करते हैं कुछ पॉलर्स में, बस यही वाली चीज़ें ही डालते हैं। बाकी मैं आपको अपने सारे सीक्रेट्स दिखा दूंगी, जो जो मेरे पास ब्लीचेस हैं जो मैं करती हूँ डिफरेंट स्किन्स के लिए और स्किन पॉलिशेस हैं। प्लीज़ 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 मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें और शेयर कर दिया करें। आप लोग शेयर बिल्कुल नहीं करते, सब्सक्राइब भी नहीं करते। आप लोग प्लीज़ जो आपके इर्द गिर्द हैं उनको आप शेयर करें, मेरी हौसला अफजाई हो ताकि मैं और ट्रिक्स आप लोगों के सामने शेयर करूं। और लाइक ज़रूर कर दिया करें, और कुछ अच्छा लग जाए तो मुझे पढ़ के बख्श दीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।